ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नौजवान सभा का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपकर सरकार व प्रशासन से नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र राणा के खिलाफ शुरू की गई जांच को बंद करने की मांग उठाई। ऐसा न करने की सूरत में आंदोलन करने की भी धमकी दी। नौजवान सभा का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपकर सरकार व प्रशासन से नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र राणा के खिलाफ शुरू की गई जांच को बंद करने की मांग उठाई। ऐसा न करने की सूरत में आंदोलन करने की भी धमकी दी। इस अवसर पर नौजवान सभा के जिला सचिव सुरेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार इस सारे पर नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र राणा के खिलाफ बेवजह मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू की गई है। इस अवसर पर नौजवान सभा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त मंडी से मिला नौजवान सभा का प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष के खिलाफ शुरू की गई जांच को बंद करने की मांग उठाई है। आज हमने डीसी मंडी को जो है ज्ञापन दिया, जिसके अंदर मुख्यतः मांगे कि नौजवान सभा के जिला के अध्यक्ष महेंद्र राणा के ऊपर जो जिस तरीके से बार बार जो है इंक्वायरियाँ की जा रही हैं और 420 के मुकदमे के तहत वो करवाई जा रही हैं, नौजवान सभा उसका विरोध करती है क्योंकि पिछले दो साल से जो प्रशासन और प्रदेश सरकार जो है लगातार उनके ऊपर इंक्वायरी कर रही थी, वो जो क्लोजर रिपोर्ट जो है पुलिस प्रशासन ने भी और कोर्ट के द्वारा भी वो जो है सबमिट करवा दी गई थी, मगर फिर से जो एक आंदोलन वहाँ पे जो अभी पिछले दिनों के अंदर हुआ था, 25 दिन लंबी जो लड़ाई वहाँ पे स्थानीय लोगों ने और महेंद्र राणा के नेतृत्व के अंदर लड़ी गई थी, बसों की मांग को लेकर, जो हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है या दूसरी और सुविधाओं को लेकर, तो उसके बाद जो है जिस दिन वो आंदोलन जीत हुई है उस दिन के दूसरे दिन ही जो है प्रदेश सरकार के इशारों के अंदर फिर से जो है उस मुकदमे को, उस इंक्वायरी को फिर से जो है इस केस को जो है फिर से खोला गया है, जिसके तहत नौजवान सभा आज ये मांग कर रही है उपायुक्त माध्यम से कि इसको जो है ये जो नाजायज जिस तरीके से जो है बार बार केस के अंदर धकेला जा रहा है, हरासमेंट की जा रही है, नौजवान सभा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय के अंदर अगर ये केस को जो है बंद नहीं किया गया तो आने वाले समय में नौजवान सभा पूरे जिला के अंदर इसको लेकर पुख्ता आंदोलन करेगी और जो प्रदेश सरकार की गलत नीतियां हैं या हरासमेंट कर रही है उन सारी चीजों को लेकर जो जनता को संगठित करते हुए उन बातों को उजागर करेगी। यही आज का जो मकसद था।